Hey 7th Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we just read about the extraction of silk from silkworms. उसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं. Extraction of silk part 2. The fibers from several cocoons are reeled off together to make a strong thread. जो अलग अलग कोकून से फाइबर निकले हैं उनको रील्ड ऑफ कर देते हैं, एक दूसरे की चपेट में ले लेते हैं ताकि एक मजबूत धागा बन सके. दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क और फिलेचर. इस प्रोसेस को कहा जाता है सिल्क रील करना या रीलिंग ऑफ सिल्क या फिलेचर. रीलिंग का मतलब होता है रेशो को एक दूसरे की चपेट में लेना. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन. रीलिंग का काम खास तरीके की मशीनरी से किया जाता है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सिल्क के कपड़े काफी कॉस्टी होते हैं. अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा कितने प्रोसेस के बाद, कितने ज्यादा सिल्क वॉर्म्स को मारने के बाद कोकून्स अपन को मिले और अपन ने क्या क्या मशीनरी में यूज किया. दिस दैट्स वाई इट्स अ कॉस्टी प्रोसेस. टू अनविंड द फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स, जो कोकून्स हैं सिल्क के उनमें से फाइबर्स को खोलने के लिए, अनविंड करने के लिए, द रॉ सिल्क दस ऑब्टेंड इन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स. तो जो कच्चा सिल्क है उसको काटा जाता है ताकि मजबूत सिल्क के धागे प्राप्त कर सके. एंड कन्वर्टेड इनटू ड्रेस, और उनको ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वीवर्स को, पहनने वालों को वो ड्रेस दे दी जाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लस्टर एंड टेक्सचर. अलग अलग टाइप के सिल्क वॉर्म्स अलग अलग तरह का रेशम का धागा बनाते हैं जो चमक और बनावट में भी अलग अलग हो सकता है. ये डिपेंड करता है हम किस स्पीशीज का सिल्क वॉर्म ले रहे हैं. सबसे ज्यादा जो सिल्क वॉर्म यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, वो है बॉम्बिक्स मोराई. बॉम्बिक्स मोराई सिल्क वॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिल्क की प्रोडक्शन में. ये एक खास ब्रीड है. सिल्क लाइक तसर, मूंगा, कोसा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म. अलग अलग सिल्क के अलग अलग नाम होते हैं. यहां कुछ नाम दिए हुए हैं आपको, तसर, मूंगा, कोसा. ये जो सिल्क की वैरायटी है ये अलग अलग रेशम के कीड़ों से प्राप्त की जाती है. मेन वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है प्रोडक्शन के अंदर और यूज के अंदर, वो है मलबेरी सिल्क. मलबेरी सिल्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. 90% ऑफ मलबेरी कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये चीज आपको अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए. हमारा जो देश है इंडिया, इसका जो साउथ पार्ट है, साउथ इंडिया है, उसके जो तीन स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा मलबेरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं 90% इंडिया का. ये सारे के सारे स्टेट्स इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में लगे हुए रहते हैं ताकि हम लोग सिल्क प्रोडक्शन वाली कंट्रीज के अंदर आगे रह सके. यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिल्क प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले पायदान पे चाइना है जिन्होंने सिल्क रीयरिंग या सेरिकल्चर चालू किया था. नाउ द लास्ट टॉपिक, हेल्थ हैजार्ड्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री. हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और हैजार्ड का मतलब होता है खतरा. तो सिल्क और वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है, ये हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे. इन वूलन इंडस्ट्री, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन वूल को लेकर के. पीपल हु वर्क एज सॉर्टर गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स, इट लीड्स टू ए फैटल ब्लड डिजीज. जो भी वूलन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां पे वूल एक्सट्रैक्ट की जाती है, वूल को डाई की जाती है, वूल को कलर की जाती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट किया जाता है, चुना जाता है, तो जो मजदूर सॉर्टिंग का काम करते हैं वो एक खास बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है एंथ्रेक्स. एक तो सिंगुलर वर्ड है बैक्टीरिया और एक प्लूरल वर्ड है बैक्टीरिया और सिंगुलर वर्ड है बैक्टीरियम. तो जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं एंथ्रेक्स, उनको एक फैटल ब्लड डिजीज, फैटल का मतलब होता है घातक, घातक खून की बीमारी दे देता है.
अब बात करते हैं सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। वर्किंग इन सिल्क इंडस्ट्री, वर्किंग इन क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है तंग, डैम्प, डैम्प का मतलब होता है नमीदार, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है, एंड पुअरली वेंटिलेटेड, बुरी तरह से हवादार जो यूनिट्स होती है उनमें काम करने वाले मजदूर लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने संबंधित बीमारियों से परेशान रहते हैं। व्हेन कोकून्स आर पुट टू हॉट वाटर टू लूजन सिल्क, हम पढ़ चुके हैं, कोकून्स को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, उबलते हुए पानी में, ताकि उनका जो सिल्क है वो टाइट से लूज हो जाए, ताकि उनको आसानी से अनवाइंड कर सके, खोल सके। द वर्कर्स पुट देयर बेयर हैंड्स इन हॉट वाटर, जो वर्कर होते हैं मजदूर, अपने नंगे हाथों से, बेयर हाथों से गर्म पानी में से उनको निकालते हैं, रिजल्टिंग इन ब्लिस्टर्स, जिससे उनको छाले पड़ जाते हैं इन देयर हैंड्स, लीडिंग टू सेकेंडरी इन्फेक्शन सच एज डर्मेटाइटिस, इससे उनको छाले हो जाते हैं जो आगे जाकर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरी बीमारी में, जिसमें स्किन में अलग तरह की सूजन आ जाती है, मजबूत फफोलेदार कड़क सूजन आ जाती है, जिसको कहा जाता है डर्मेटाइटिस।